हमको प्रशासन मिल के बहुत मारा घर में जाके। अब हमने चोरी किए, प्रशासन को तोड़ दिया। ये देखिए मेरा पुला दिया मार मार के। भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में एक पंडे की स्थानीय पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद पंडा व दुकानदार आक्रोशित हो गए और सुल्तानगंज थाने में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। दरअसल सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में गुरु पूर्णिमा के दिन जहाज घाट एवं अजगैबीनाथ गंगा घाट में कांवरियों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं अजगैबीनाथ गंगा घाट एवं जहाज घाट में दो कांवरियों का हजारों रुपए का सामान की चोरी होने पर स्थानीय पुलिस घटनास्थल जहाज घाट पहुंची और एक दुकानदार एक पंडा को जमकर लाठी डंडे से पिटाई कर दी, जिसके बाद पंडा एवं दुकानदार के लोग सुल्तानगंज थाने पहुंचे और जमकर हंगामा किया। पंडा ने बताया कि जहाज घाट में धनबाद के कांवरियों का दो मोबाइल एवं 20,000 रुपए की चोरी हुई थी। इसी में पंडा प्रशांत झा को पुलिस ने लाठी डंडे से जमकर पीट दिया। साथ ही दुकानदार रोहित कुमार को भी पुलिस ने लाठी डंडे से पिटाई कर दी, जिसके बाद पंडा व दुकानदार आक्रोशित होकर एकजुट होकर थाना परिसर में जमकर हंगामा किए, जिसके बाद थानाध्यक्ष लाल बहादुर मौके पर पहुंचे और पंडा व दुकानदार को समझा बुझाकर मामला को शांत कराया, जिसके बाद पंडा व दुकानदार को छोड़ दिया गया। इससे ज्यादा भीड़ लगता है, कभी नहीं ऐसा मार होता है। और हम लोग को इतना मार, हमको प्रशासन मिल के बहुत मारा घर में जाके। अब हमने चोरी किए, प्रशासन को तोड़ दिया। ये देखिए मेरा पुला दिया मार मार के। इस पर आरोप साबित हुआ जो मार नहीं हुआ सर। और हम पुलिस, हम खुद पुलिस गाड़ी को रखवा करके इनको बैठा करके लाए, निकलने जा रहे हैं। पुलिस लोग है, झोला चोरी हुआ हमारे यजमान का, ठीक है, ठीक है। तो इनको मैंने बोला चलिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से, प्रशासन का कोई ठिकाना नहीं है, खाली सीसीटीवी कैमरा है। इससे अच्छा तो लोग 12 महीना पंडागिरी करते हैं सीना ठोक के, साबन आता है। अब पंडा जजमान को मैंने बोला, हाथ जोड़ के निवेदन किया, जो हम लोग का कर्तव्य है। और हम मैं वॉलंटियर भी हूँ, अनाउंस करके पूरे घाट में घूमता भी हूँ, कहता भी हूँ कि जजमान आप अपने सामान के सुरक्षा आपके साथ क्या किया? पुलिस प्रशासन, पुलिस हमारे साथ बहुत गलत बर्ताव किए सर। ये मेरा हाथ, ये देख लीजिए, पूरा मार मार के फुला दिया सर। ये देखिए लोकल पुलिस बहुत गलत किया, मारा है, खून बहा दिया है। हाफ मर्डर का केस हम उसके विनोद कुमार के ऊपर करेंगे। क्यों मारा, क्या आरोप था? झूठ मूठ का बोला, तुम कछो कि तुम झोला चोरी किया, जब सर मैंने चोरी किया नहीं है। मेरा नाम प्रशांत कुमार झा और मेरा नाम कारे बाबा है। वो क्यों रहे हो? दर्द हो रहा है सर, दर्द हो रहा है, उसके कारण रो रहे हैं। हम दुकानदार हैं, झूठ मूठ का इल्जाम लगाया गया। उसके बाद थाना जब आए तो हमको विनोद कुमार उसका बैच हम पढ़े, उसने हमको और एक पंडा जी को बहुत मार मारा उधर एक कोना मिले जाके। जिस चीज से पिटाई की गई है? डंटा से, दो डंटा थी, एक तो शायद टूट भी गया होगा। कितने देर पिटाई की गई? 15 से 20 मिनट पिटाई किया गया। हाँ, थाना में। हाँ, और बोलता हाँ थाना में ला के पिटाई किया गया साइड में। और और जब बोल रहे थे तो बोल रहा था मुंह में लाठी कर देंगे साला तुमको। क्या नाम आपका? पंडित जी, वहाँ चोरी हुआ बम का, तो पंडित जी को पकड़ के लेके चला आया है बिना मतलब का। कह रहा है कि यहाँ का एसआई जो पकड़ के लेके आया, कहता है कि हमको तुम गच लो, हम छोड़ देंगे। उतना मारा है ना कि हाथ पे और चूतर पे देख लीजिए पंडित जी का क्या दशा है। और दुकानदार जो भी जो है ना वो चल नहीं पा रहा, उतना उसको मारा है। काय मारने का? बस चोरी का, तुम गचो खाली, तुम का तुम छोड़ देंगे तुमको। चोरी नहीं किया? चोरी नहीं किया है। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल कुमार झा शाहबाद। किसको मारा है? नाम प्रशांत कुमार झा। कहाँ का है? शाहबाद। वहीं धनबाद के कांवरिया शंकर भुनिया ने बताया कि जहाज घाट में गंगा स्नान के लिए पहुंचे थे, तभी एक दुकान के पास दो मोबाइल एवं 20,000 रुपए रखा था जो गायब हो गया। कांवरिया मिथुन कुमार शाह ने बताया कि गंगा स्नान के दौरान मोबाइल 20,000 रुपए और 2,000 रुपए की चोरी होने पर थाने में लिखित आवेदन देकर बरामदगी की गुहार लगाए हैं। वहीं पुलिस पूरी घटना को लेकर गंगा घाट पहुंची और छानबीन में जुट गई।